लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा अपने सीनियर को फोन पर जमकर अभद्रता करने का ऑडियो वायरल हुआ। वायरल हुई दो ऑडियो में से एक से चार महीने के वेतन बिल बनाने की बातचीत हो रही है और बता दें कि ऑडियो करीब एक महीने पुराना बताया जा रहा है। पहले ऑडियो में डॉक्टर पहले सीनियर के बोलने की तस्दीक करता है और पूछता है कि कब पिटोगे। इसके बाद अपना नाम और पूरा परिचय बताता है। इसके साथ ही हर दर्जे की अभद्रता और गाली गलौज करता है। सीनियर अपने बचाव में बात करते हुए टोकता है और बातचीत में लग रहा है कि ये कॉल रात की है। हेलो हेलो, सीएमएस से बात बोल रहे हो? कब मार खाओगे? क्या है, कौन है? मैं डॉक्टर अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। तुम तो पता है चूतिया आदमी हो है? तुम पता है कभी डॉक्टर नहीं हो सकते हो। क्यों डॉक्टर नहीं हो सकते हो? अबे क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। इससे क्या बात है? कैसे बोल रहा हूँ? अभी यहाँ पे है तू? नहीं, अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास। वहीं दूसरी ऑडियो में डॉक्टर सीनियर से फिर बात करता है और पूछताछ करता है कि क्या आपने मेरे चार महीने के वेतन का बिल बना दिया। सीनियर कहता है कि एक महीने का बिल भेज दिया है। इस पर वह फिर से धमकाने भरे अंदाज में बात करता है। कहता है मैंने ड्यूटी की है, चार महीने का वेतन चाहिए। सीनियर बार बार समझाने की बात कहता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मेरे यहाँ शादी है, मुझे पैसों की जरूरत है। सीनियर कहता है कि मारने पीटने की धमकी ठीक नहीं है। बाद में डॉक्टर धमकी देते हुए कहता है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली तो मैं मारूंगा। पूरे घटनाक्रम की शिकायत स्तर पर भी बताई जा रही है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। सही सही बात बताता हूँ, चार महीने के डलवा दीजिएगा, ठीक है? मैं ड्यूटी करता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। ड्यूटी में कोई कमी नहीं हुई है, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है। हाँ। और इस चूतिया बनाने वाली बातें जो है ना, आप किसी और से करिएगा। अच्छा। और ठीक है, ये जो फालतू की बातें हैं मैं ना सुनता हूँ ना पसंद करता हूँ। फालतू की बातें रात में तुम गाली गलौज दे रहे हो, अच्छी बात तो मैं दोबारा दूंगा गाली आपको। नहीं, गलत कर रहे हो ना। काय को गलत कर रहा हूँ? अरे मेरा काम है डाल देना। तो एक महीने की डालोगे आप? एक महीने का जितनी आप देखते हैं उनसे, अगर तीन चार महीने की तो चार महीने की डालेंगे। चार महीने की डालो यहाँ पे, क्योंकि ये है कि मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ। चार महीने की डालेंगे, पर तुम जो उल्टी सीधी बात गाली गलौज कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो? बहुत अच्छी बताइए आप। मेरे को ना दिवाली वाले से कोई मतलब नहीं है। नहीं, दिवाली से क्या, मैं कोई जानबूझ के रोक रहा हूँ किसी की तनख्वाह? सबकी डाल रहा हूँ। चलिए, आपका कोड वर्ड नहीं आया था तो इसलिए सब लोगों का आ गया, तो हमने बना करके डाल दिया। ट्रेजरी से दो दो बार भेज रहा हूँ मैं सबको। मैं तो कर ही रहा हूँ अपनी कोशिश सबकी निकालने की। बस प्लीज करवा दीजिए, बस प्लीज करवा दीजिए। और एक चीज बता दूं आपको, आपको ड्यूटी में कभी कमी नहीं मिलेगी। ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुम कंजड़ कुत्ता जो कुछ कह रहे हो ना, ये ठीक नहीं, शोभा नहीं देता है। बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुस्सा आता है। बस नहीं नहीं, वो सब बस पता है कि मेरे बेटे की, मेरे भाई की शादी है बस, ठीक है? और बस मेरे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से क्या करूँगा? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जब तुम्हारा कोड वर्ड नहीं आया तो कोड वर्ड आ गया तो मैंने डाल दी थी। एक महीने से शादी हो जाएगी बस? एक महीने नहीं, अब देखते हैं, तीन चार सभी बोलूंगा उनको, कहूंगा मैं ऑफिस में, कह ही सकता हूँ ना। कहूंगा नहीं बस, कहूंगा नहीं, मैं तो डालता नहीं बना करके हाथ से, उनसे मैं कहूंगा बना के डाल दो भैया इसकी बस, है ना? बॉस आप डलवा सकते हैं, सब कुछ कह दिया मैंने, कह दिया भैया उनसे, कह दिया मैंने, मैं कह दिया, ठीक है बॉस। बॉस आपको कभी भी ना बीइंग ए डॉक्टर, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है इस तरह की गाली गलौज करना। बॉस बीइंग ए डॉक्टर मैं आपसे बोल रहा हूँ बॉस, ठीक है बॉस, इतना करवा दीजिए बॉस, मुझे जरूरत है। मारोगे पीटोगे तो मार लो, पीट लो यार, कल मैं आ रहा हूँ वैसे, जितना वैसे मारूंगा, वैसे मारूंगा। हाँ मार लो, कल मैं आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल मारूंगा, अगर तनख्वाह नहीं पड़ी तो मारूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है बॉस।
वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर द्वारा बद्दे शब्दों का सवाल किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला क्या हो तो उनकी तनख्वाह जो है रुकी हुई है पहले से, तनख्वाह निकालने के प्रेशर बनाते हैं, उसकी वजह से गाड़ी के बाद तो आपने अभी तक कोई सदर स्तर से कोई कार्रवाई कराई? क्या कार्रवाई? शासन को